ओ भाई, अब टॉक शो हो गया है। अभी भाई हम वो पानी पूरी खिलाने वाले हो। ए गोलगप्पे वाले भैया, एक पानी पूरी लगाना। पानी पूरी नहीं, सॉरी, पानी पूरी लगाना। ये अजीब अजीब से खाने खिलाने वाला है ये इंसान हमें। ये पेट खराब कराएंगे हमारा, मैं बता रहा हूँ। आज निश्चय और अभिषेक को जाना है मुंबई। आज अभिषेक भी जा रहा है इसके साथ। मेरा नंबर कब आएगा? 400 बार जा चुका चल रहा है मुंबई। हाँ बिल्कुल जाना है। रेडी हो जाओ। नहीं रेडी हो जाओ। अच्छा तुम्हारी फ्लाइट बुक है, मैं क्या फ्लाइट से उड़ के जाऊंगी वहाँ लटक के? फ्लाइट का क्या है, वो तो हाथ दे देंगे ऐसे रुक जाएंगे। भाई एक पैसेंजर और बैठा लो। वो तैयार बैठा है और तू अभी तैयार नहीं हुआ। 11:20 हो चुके हैं और 2:20 की फ्लाइट है। आजकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा, उठ तैयार हो जा। कम से कम 1.5 घंटा लगेगा एयरपोर्ट पहुंचने में। अब तेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, नहीं बुक कर लेंगे। हाँ बस यही काम रह गया। दोनों नीचे उतर गया और कैब वाला भी खड़ा है और तू यहाँ पे बस ड्रामे कर। नहीं मंगा लेंगे, सब कुछ नया ही कर लेंगे। ओके बाय बाय। मेरी मम्मी, मेरी जान, गॉड ब्लेस। इट्स टाइम वी गो टू गोवा। गोवा? अच्छा सॉरी यार, मुझे लगा गोवा जा रहे हो। गोवा जा रहे हैं ये बंदा कसम से। मेरे को लग रहा है नशे वशे करके आया हुआ है। आधार कार्ड नहीं लाया, ठीक है? मैंने कुछ आधार कार्ड लाया, कह रहा वो क्या, वो लाना था। कहता पैसे लाया है। मैंने कहा पैसे लाया है? कह रहा नहीं। और फिर उसके बाद चेकिंग में पूरे पैसे सामने खुलने में रख दिए। मैंने कहा तो ये क्या है? और अब कह रहा वी आर गोइंग टू गोवा। गाइस अखी आइज आउट नाउ, गो वॉच ऑन मलन रिकॉर्ड्स, लेट्स गो। तेनू जानना दवा। गाना अच्छा है सुनना। नहीं सच में नशे नहीं करता है, वैसे ही जिंदगी के नशे में आए। खुश रहीदा, बात रहीदा, अब भी ले लेंगे। अच्छा मैं तो बता दे कहाँ जा रहे हैं। हबीब वी गो टू बैंकॉक। ये देखो ये थगे शो में आने के लिए, सिर्फ सिर्फ थगेश के साथ वीडियो शूट करने के लिए मुंबई जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं और प्रॉबेबली रात को वापस भी आ जाएंगे। पैसे भी नहीं दे रहा थगेश यार हमें इसके लिए। थगेश वो यूट्यूबर क्या जो साउंड इफेक्ट डाल के फनी हो जाता है? ये तो हर रोस्टर है। भाई देख लो, चार्ज भी नहीं करके आया फोन को। चार्जर लाना भूल गया यार मैं। वाह वाह भैया, और फोन डेड होने वाला है 11% पे। अब आप पूरे दिन कैसे बैठोगे? और अखियां गाना भी चलाना मन है देखो। हाँ तो आप पूरे दिन कैसे निकालने वाले हो? रसर खा के। वाह भैया, पता मेरे इस फोन में वायरलेस चार्जिंग है। तू अपना फोन इसके ऊपर रख देगा तो तेरा फोन चार्ज हो जाएगा। पैर पकड़ मेरे। पैर पकड़। बहुत बढ़िया। ऑलराइट गाइस, तो पहुंच गए हम मुंबई एंड मैं बाथरूम गया था और भाई साहब जो है यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। व्हाट आर यू शॉपिंग फॉर सर? क्या ले रहे हैं? हाँ तो ये दिल्ली से चार्जर नहीं लेके आया तो यहाँ पे चार्जर खरीद रहे हैं। वाओ पहुँच गए भाई, पहुँच गए। मजा आ रहा है। एक तो मेरे को ये नहीं समझ आता तेरा चश्मा क्यों उतर जाता है कैमरा ऑन होते ही। क्यों नहीं, मैं तो चश्मा बल्कि पहन लेता हूँ उल्टा। मेरे को बिना चश्मे के अजीब लगता है। एक बार और मुंह खोल कर कुलचा फेंक के मारेंगे। हैं? हैं? तो अभी हम सीधा शूट लोकेशन पे ही जा रहे हैं। कोई होटल नहीं, कहीं नहीं जा रहे, सीधा शूट लोकेशन पे। मैंने थगेश को बोला, मैंने कहा सीधा शूट कर भाई, रात को ही वापस। मीनवाइल निश्चय अभिषेक तो चले गए मुंबई और हम सुबह से पूरी मूवी भी देख ली मैंने, डिज्नी हॉटस्टार की एक पूरी सीरीज खत्म कर दी। मतलब टाइम कैसे पास करें। अब जा रहे हैं हम मार्केट। हमने ना टर्की जाने से पहले 2 लिए थे चार्जर, आईफोन के चार्जर। आपको पता हमारे घर में दिक्कत होती रहती है, एक चल रहा है एक चल ही नहीं रहा, तो हमने सोचा अब फिर चेंज करा के आते हैं। यार हमारे ना मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का ना मेरे को लगता है थोड़ा सा ना ग्रह खराब है हमारा, तो चलते हैं मार्केट, थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा और चार्जर भी चेंज हो जाएगा। गए मल्लन साहब, अपने आप बात करेंगे और करवाएंगे चेंज। मार्केट आए और गोलगप्पे ना खाएं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। हो गए पैक? हो गए जनाब। तो आ गए हम, गोलगप्पे भी लिए और साथ में
इतने सारे फ्रूट्स भी लेके आई हूँ, क्योंकि फ्रूट मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, और किसी को अच्छा लगे ना लगे, मेरे को बड़ा अधूरापन लगता है अगर मैं फ्रूट ना खाऊं तो। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम जो है सैट पे पहुंच गए हैं, और देखो हमें सैट पे सेक्सी सैट पे कौन मिला है। ओ भाई यार, ये तो एकदम सूट वूट में एकदम कसम से सही में ऐसा लग रहा है, अरे सल्लू भाई आए हैं, एकदम मेकअप वेकअप करा के मस्त बने और बाहर का है। आपका भी होएगा मेकअप? रुको, अभी अपना भी मेकअप होगा, अब उसकी तो आदत हो गई है। मैं एक बार पूरा सेट घुमा दूं, क्योंकि बहुत प्यारा सेट बनाया हुआ है। मतलब बाहर तो एकदम बसे बसे खड़ी हुई थी, ट्रक खड़े हुए थे, मैं कह रहा हूँ क्या भाई, अंदर आके देखा, मैंने कहा भाई ये तो सेट ही बहुत कमाल का है। आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो और मैं आपको, वाओ काफी ही क्रेजी एकदम सेट बनाया है यार। और इधर शूट होना है, उधर थकेश बैठेगा, इधर मैं और अभिषेक, और ये कपड़े बदलने के लिए भी कमरे हैं, इधर ये थकेश का कमरा है। और ये क्या है, ये इतने सारे टीवी पे कौन देखने वाला है? ये लो, आप मेरे पे कैमरा रख के बैठे हो, मैं आप पे। आपके पास होगा बड़ा सा DSLR बहुत बड़े से लेंस के साथ, ठीक है? मेरा भी ये सस्ता सा एंड्रॉइड फोन उतनी अच्छी रिकॉर्ड करता है, ठीक है? तो सी गाइस, यू डोंट नीड अ वेरी हैवी इक्विपमेंट टू रिकॉर्ड, एक फोन भी चलता है। हमारा यार तो सेट बहुत बढ़िया बनाया, वहां इतने सारे टीवी क्यों रखे हुए हैं? वो मॉनिटर है, एक एक एंगल दिखता है उस पे। तो एक एक एंगल क्या दिखाओगे मेरी? आपकी एक शक्ल है पूरे एक मॉनिटर पे, आपकी शक्ल आएगी। अच्छा, एक मॉनिटर पे भाई की शक्ल आएगी, एक पे मेरी, एक पे वाइड शॉट, एक पे टू शॉट। यार मैं तो सोच रहा था चार छह लोग होंगे बस, आएंगे हम शूट करेंगे घर जाएंगे, यहाँ तो कम से कम 25-30 लोग हैं। पिछले हफ्ते इतने लोगों को मैंने कॉल करके बोला, मैं दीवार हो गया हूँ, कभी नहीं हो पाएगा। मैं तो भाई इतने लोग देख के डर गए, इतने लोगों के सामने हम ऐसा वो कैसे करेंगे? अरे कुछ नहीं भाई, चिल एकदम, टाइम पास जो मन में आता है। चलो तुम कह रहे हो थकेश भाई, तो मान लेता हूँ, कट कर लेंगे भाई, वैसे भी कहाँ लाइव है, कट कर लेंगे अपने ही। लास्ट टाइम ऐसा किसी ने बोला था ना, सब डाल दिया था। कॉफी आ गई भाई, कॉफी आ गई। कप पे क्या लिखा है? एक मिनट, कप पे क्या लिखा है? द थग, द थगेश शो। अरे अरे एक सेकंड भाई, ढंग से पकड़ा नहीं जा रहा भाई, फुल पैसा वैसा लगाया, कप पे भी थगेश शो लिखवा रहा, क्या फुल ब्रांडिंग? हाँ सही है, यू वेरी चालाक ब्रो। क्या वाम बैटरी गई है वाम? बस सूट जो है वो स्टार्ट होने की वाला है, और 5 मिनट में हमें कोई बता रहा भाई। रखो, नर्वसनेस तो नहीं हो रही ना तुम्हें? वो तो रही है, तेरे को देख के वैसे ही कोई भी नर्वस हो जाए। लड़कियां स्पेशली इतना भयानक जो दिखता है। ओह शिट, बट नहीं घबराने का नहीं, मैं होना, मैं सब संभाल लूंगा। तीन लोग सेम मीम पे हंसने वाले, एटलीस्ट कोई एक तो मेहनत करता है कंटेंट के लिए। किसकी बात है संबंध मेरी? अबे बोल ना फिर। मैं तो गेम खेलता हूँ, अगर तुम्हें लगता है वो मेहनत नहीं होती तो फिर भाई आई एम सॉरी, तुम गेमिंग के अगेंस्ट हो, डोंट टॉक टू मी। आजा आजा आजा, ये तो एक चैनल दो चैनल बना रखे हैं सेम काम करने के लिए। तीसरे पे भी वही करेगा थोड़े टाइम पे, तीसरे पे पहले वही था, क्लिप्स काट के डालता था बस। रोल होने वाला है, स्टार्ट होने लगा है शूट। भाई तुम दोनों एक्चुअली में ऑलमोस्ट इक्वल हो, सीधा खड़े हो ना, कंधे से तो इक्वल है, बाकी तेरे जो ऊपर बाल खड़े हुए हैं उससे वो लंबा हो गया थोड़ा सा। हाइट लंबी होनी चाहिए भाई। नहीं एक्चुअली सबसे लंबा मैं हूँ, ऐसा नहीं तो मैं पता नहीं चलेगा। माइकिंग हो रही है, सेट प्यारा है, टेंशन तो नहीं हो रही ना, घबरा तो नहीं रहना, घबराना नहीं है, ठीक है, स्ट्रेस मत लेना। चिट लेके बैठा है, स्क्रिप्ट लिखवाई नहीं क्या? लिखवाई है ना इसमें, मेहनत कर रहा भाई। तो सारे लोगों के सामने मैं डरता हूँ, मैं डरता हूँ। ओ भाई अब टॉक शो हो गया है, अभी भाई हमको पानी पूरी खिलाने वाले हो? ए गोलगप्पे वाले भैया, एक पानी पूरी लगाना, पानी पूरी नहीं सॉरी पानी पूरी लगाना। ये अजीब अजीब से खाने खिलाने वाला है ये इंसान हमें, ये पेट खराब कराएंगे हमारा, मैं बता रहा हूँ। भैया भैया मेरे वाले में एक सौंठ भी लगा देना। क्या सौंठ लगा देना? और आलू ज्यादा। अरे वो मीठी वाली चटनी,
अच्छा इमली की चटनी है। हाँ वो मीठी वाली चटनी सौंठ कहते हैं उसको दिल्ली में। जादू दिखाओ। जादूगर भैया अभी टोपी में से कबूतर निकाले गए। बोली कर रहे अब तो ये दोनों देखो। आवरा कड़ावरा डिजाइनर से मंगवाया ना। मुझे लगा पिछले एक मैजिक शो से टैग बस शूट हो गया है पैकअप। थंबनेल फोटो निकल रही है। थंबनेल फोटो बनते ही पैकअप बस गायब। पर कहाँ जाएंगे पता नहीं क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई और फ्लाइट अब कोई नहीं है तो वापस तो सुबह ही जा पाएंगे। वाह देखो गाइस थंबनेल के लिए कितनी मेहनत कर रहा है ये लड़का। देखो गाइस कैसे फेक स्माइल दे रहा है। यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं है जिनको भी लगता है। ये देखो अब ये पैसे उड़ाएगा। डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। बैकअप भाई बैकअप। हाँ साथ में ले ले। बैकअप भाई बैकअप। ओ पैकअप हो गया। ले भाई पैकअप हो गया अब तो। अब क्या लेगा घर जाने का? पेमेंट? पेमेंट तो नहीं मिलने वाली। पेमेंट तो नहीं मिलने वाली। तगेश भाई पैसा? भाई कह रहे हैं आप कौन? हाँ भाई पैसे नहीं। वीडियो का बंदेज लाइक मारेगा वीडियो पे। पैसा पैसे का तो पता नहीं लेकिन ये कह रहे हैं आपको क्या चाहिए? बीड़ी का बंडल चाहिए। इनको बीड़ी का बंडल चाहिए। तो शॉट्स लेते किसी तरह। चले यार एक बार बता। मुंबई से फ्लाइट की टिकट लगा के खुद से हम यहाँ पर आए हैं। हमें तो कुछ नहीं मिला। एक बार भी का डब्बा दे दिया। उसकी भाई लेगा उसके भी पैसे लेगा। हमें क्या मिलेगा? तो दोस्ती मिलेगी मेरी। चल ठीक है वो भी चलेगा। बातें देख लो ऐसे ऐसे बातें बोलेगा जैसे पता नहीं अंबानी के बाद यही है। तुम लोगों ने मुझे अगला 15 लाख वाला वीडियो बनाएगा ये तब आएंगे दिल्ली। हाँ प्राइस मेरे लिए बनाएंगे। गिविंग ट्रिगर्ड इन 20 लाख। ओके चलो भाई